हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देख सकते हैं मैं अभी कहाँ पर हूँ। ये जो है गौरराम बल्दियाबसा हाई स्कूल में आया हूँ। इसमें जो है लक्खी भंडार स्वास्थ्य साथी, ये ममता बनर्जी हम लोग के लिए बहुत सुविधा करके रखे हैं, जिसके लिए जो है जिसका जिसका डॉक्यूमेंट्स कुछ गलती होता है उस गलती को सुधारते हैं। और देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बहुत प्यारा स्कूल है, बहुत खूबसूरत सा स्कूल है, जान सकते हैं। और जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस फॉर्म को मैं दिखाने जा रहा हूँ। भाई ममता बनर्जी ने हमारे बंगाल में बहुत अच्छा ये काम करके रखे हैं, अलग अलग सेंटर बना के रखे हैं, जिसके लिए जो है ये फॉर्म फिलअप मैं कर दिया हूँ। इसको करेंगे आगे, हम जा रहा हूँ। तो गाइस देखते हैं हमारी ममता बनर्जी आगे हमारे बंगाल में कितने कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो गाइस इनके लिए एक लाइक कर देना। सबसे पहले मैं आगे इसका व्यू दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग बने रहिए। गाइस आप लोग देख लें, जिसका जिसको अगर मैंने ये फॉर्म फिलअप नहीं भरा जाता है, ये लोग यहाँ स्टाफ में आकर के ये भर रहे हैं और उसका भरने का कुछ इसको मुआवजा दे रहे हैं। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, मैं जो मेन काउंटर है उस काउंटर में जाके जमा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ममता बनर्जी जिसका जिसका डॉक्यूमेंट जो गलती होता है, कुछ भी होता है, राशन कार्ड आधार कार्ड, उसको सुधार करने के लिए यहां अलग अलग सेंटर करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग पंचायत में, अलग अलग बिलन में इसको सेंटर बनाते हैं, उस कागज़ को सही सुधार कर ले। और सरकार जो है हमारे यहाँ जो इन लोगों हर औरतों को 500 रुपये करके पर मंथ देते हैं, उसके लिए लक्खी भंडार स्वास्थ्य साथी मनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ जमा दे रहा हूँ मेन काउंटर में। देख सकते हैं मैं ये जो जमा दिया था, इस ये स्लिप मिला है, ये स्लिप ऐसे ही सबूत है। इसके बाद जो है फिर क्या प्रोसेस होता है गाइस जान सकते हैं। मैं तो डॉक्यूमेंट जमा दे दिया, अब उनका भविष्य जाने। स्टाफ लोग अगर अच्छे तरह से उसको काम करते हैं ऑफिस में, तो मेरा जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड बनने का चांसेस है, या तो फिर नहीं है, चूँकि 2 मरतबा मैं जमा दे चुका हूं। सरकार ने तो मना के रखा है अलग अलग सेंटर, लेकिन जो है फिर भी क्या करें दोस्त, स्टाफ लोग जो बढ़िया अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते हैं कि पब्लिक को परेशानी ना हो, कुछ भी ना हो। मैं जमा दिया, जमा करने के बाद अगर कागज़ को दोबारा कंप्यूटर में अपलोड ना करे तो वो जान सकते हैं ममता बनर्जी हम लोग का सरकार जो है ये जो सेंटर अलग अलग बना के रखे हैं, ये काम के लिए एक लाइक कर देना। अगर काम अच्छा किया है तो लाइक कर देना, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना कि ये काम अच्छा है या गलत है। अलग अलग सेंटर बना करके अलग अलग सबका डॉक्यूमेंट्स को सही कराते हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।